स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। स्नैक कैचर को सांप ने डसा, समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई मौत, पुलिस को जानकारी दिए बगैर कर दिया अंतिम संस्कार। दुर्ग जिले में एक स्नैक कैचर को सांप पकड़ना महंगा पड़ गया। स्नैक रेस्क्यू के दौरान उसे सांप ने डस लिया, इसके बाद उसे लोगों ने समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में चौंकाने वाली बात ये रही कि मृतक के परिजनों ने बिना पुलिस को जानकारी दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भिलाई के सूर्या मॉल के पास रहने वाला हीरा मंगलवार सुबह जेवरा सिरसा कोबरा रेस्क्यू करने गया था। दूसरे स्नैक कैचर राजा ने बताया कि उसे लोगों से जानकारी मिली कि उसने कोबरा का रेस्क्यू कर उसे डिब्बे में डाल लिया था। इसके बाद लोगों के कहने पर फोटो खिंचाने के लिए फिर से उसे खोलने लगा। डिब्बे में बंद कोबरा इतने गुस्से में था कि बाहर आते ही उसे डस लिया। इसके बाद हीरा डर के मारे अस्पताल नहीं गया और सीधे घर आ गया, यहाँ उसकी मौत हो गई। भिलाई के स्नैक कैचर राजा ने बताया कि वो हीरा के घर गया था, वहाँ घर वालों ने न तो बॉडी देखने दी और न उसके बारे में कुछ बताया। दिन भर लोग लाल बहादुर सुपैला अस्पताल की मर्चुरी में बॉडी आने का इंतजार करते रहे। शाम को पता चला उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्मृति नगर चौकी प्रभारी देवा भारती का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा है तो ये गलत है, वो मामले की जांच करेंगे। भिलाई के स्नैक कैचर राजेश महादेव और राजा ने बताया कि स्नैक बाइट में अधिकतर लोगों की मौत दहशत में आने से होती है। अगर किसी को सांप ने डस लिया तो बिना देरी किए उसे नजदीकी अस्पताल ले जाएं। समय पर एंटी स्नैक वेनम लग जाने से उसकी जान बच जाती है। हीरा स्नैक बाइट के तुरंत बाद अस्पताल जाता तो उसकी भी जान बच जाती।